में सरकार सड़कों को बेहतर बनाने के दावे तो कर रही है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते सारी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो वाकई में पानी के कारण ही सड़क धस गई, जहां सिटी स्टेशन की ओर से आ रही एक कार भी गड्ढे में फंस गई। कार पूरी तरह से गड्ढे में जा समाई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई दुखद हादसा नहीं हुआ। हालांकि कार सवार सभी लोग बाहर सुरक्षित निकल आए, जिसके बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि बलरामपुर अस्पताल के नजदीक जिस सड़क पर हादसा हुआ है, उस पर 2400 घंटे ट्रैफिक रहता है। यहां हल्के वाहन के अलावा भारी वाहन भी गुजरते हैं। अस्पताल होने के कारण अक्सर यहां से एम्बुलेंस गुजरती हैं। रोडवेज की बसें भी यहां से आया जाया करती हैं। ऐसी भी सड़क पर इस तरह के हादसे चिंताजनक हैं। क्षेत्र के ये बलरामपुर हॉस्पिटल और क्रिश्चियन कॉलेज के बीच का ये रास्ता है, जहां पर आज सुबह ये सड़क धस गई। जलकल विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और जिस तरीके से ये गड्ढा देखा गया है, लगभग 40 फीट ये जो चौड़ा गड्ढा था, जिसको अब फिलहाल नगर निगम द्वारा भरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जलकल विभाग के जो यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई थी, जिनके द्वारा वो सीवर लाइन चौक थी, जिसके बाद जो सड़क थी वो धस गई है। जिस तरीके से यहाँ पर भराव है, जल भराव, वो देखा जा रहा है। फिलहाल जो जलकल विभाग है और जो नगर निगम के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो काम है उसको कराया जा रहा है। फिलहाल जो गड्ढा हो चुका था वो भर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाही सामने आई है वो जरूर देखी जा सकती है कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा, एक कार इसके अंदर आकर फंस गई थी, फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इससे पहले भी लालबाग में एक बड़ा गड्ढा हो गया था, वहां पर भी इसी तरीके से परेशानी आई थी, एक बड़ा हादसा होने से वहां पर भी बचा था। तो अभी जिस तरीके से बरसात की शुरुआत हुई है, आज सावन का पहला दिन है और जो परेशानी सामने आ रही है, जनता जिससे जूझ रही है, चाहे जल का विभाग हो चाहे नगर निगम हो, तो फिलहाल अब जिस तरीके से तैयारियां हैं कागज पे तो नजर आती है, लेकिन जो सामने है वो नहीं दिखाई दे रही है। एक बड़ा हादसा होने से आज बच गया। फिलहाल नगर निगम द्वारा जेसीबी बुलाकर जो इसकी गड्ढा हो गया था उसकी भराई शुरू हो चुकी है, लेकिन जलकल विभाग की जो लापरवाही है वो जरूर देखी जा सकती है। कहीं नाली चौक है तो कहीं सीवर चौक है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा दें, ये बलरामपुर हॉस्पिटल का बैक साइड है, ये पीछे का हिस्सा है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जल भराव है, किस तरीके से यहाँ पर कमियां हैं और यही कमी रोड पर भी देखी गई है, जहां पर जलकल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो सीवर लाइन डाली गई थी वो चौक होने की वजह से एक बड़ा गड्ढा हुआ, जिसकी वजह से एक हादसा हुआ, कार फंस गई, लेकिन फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से बच गया, किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये आदेश दे रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से परेशानियां, जिस तरीके से गड्ढे और सीवर लाइन चौक की घटनाएं सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। घटना के बाद सड़क की मरम्मत का काम तो शुरू करा दिया गया, मगर मौके पर पहुंचे अधिकारी किसी तरह की गलती या फिर लापरवाही की बात मानने के बजाय कुछ और ही कहते हुए नजर आए। उनका कहना था कि भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ और उसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है। कहने लगे कि पहले जानकारी नहीं होती कि कब बारिश होने वाली है, प्राकृतिक आपदा है, जिसको जानकारी हो रही है मौके पर काम कराया जा रहा है। हमारा नाम हरेंद्र सिंह है, मैं सहायक अभियंता हूँ। रात में भारी वर्षा के कारण जो है, बगल में भी दिखाइए, तो भारी वर्षा के कारण जो है पानी आने के कारण जो है तकान हो गया है, जिसको तत्काल नहीं कराया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा जलकल की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि सीवर लाइन डाली गई थी जो कि चौक थी, जिसके कारण सड़क धस गई, एक गाड़ी भी सुबह से फंस गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारी वर्षा के कारण ही ये सारी दिक्कतें आ रही हैं और जैसे ही जानकारी हो रही है तत्काल इसको सही कराया जा रहा है। मौके पर आप उधर भी दिखाइए, काम हो रहा है, उधर दिखाइए वीडियो, उधर दिखाइए तो काम हो रहा है तत्काल। नहीं तो अभी जिस तरीके से लापरवाही जलकल के सामने आ रही है। और भी ये बताइए, आपको क्या पूर्व में जानकारी होती है कि कब वर्षा होगा, कब आधी आएगा? जैसे ही जानकारी कहीं गड्ढे गुड्ढे हो रहे हैं उसको तत्काल रिपेयर कराया जा रहा है। जो प्राकृतिक आपदा है उसके बारे में किसी को नहीं जानकारी है, जैसे जानकारी होती है उसको तत्काल मरम्मत कराया जा रहा है। वर्षा शुरू होने वाली जानकारी पहले से ही सबको है, पहले तैयारी क्यों नहीं? तैयारी है तभी तो चल रही है। अभी गड्ढा हुआ है, आधा घंटा पहले तुरंत बन जा रहा है। अब तो नगर निगम उसको भरवा रहा है। नगर निगम सुनिए,
बड़ी लापरवाही है। नगर निगम भरवाए या जल निगम भरवाए, लेकिन मौके पे किसको जानकारी हो रही है जैसे सब काम चल रहा है। हालांकि सड़क को तो ठीक करा दिया गया है, मगर इस तरह बीचों बीच सड़क का धसाना कोई प्राकृतिक आपदा तो बिल्कुल नहीं है, और ये किन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है ये भी जांच का विषय है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके।